आज के समय जब हम देखते हैं तो हमारे यूथ, हमारे युवा पीढ़ी जिस राह पर, जिस रास्ते पर निकल चुके हैं, बहुत ही खतरनाक है जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो। लेकिन जब पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं तो बहुत से लोग, हम कहेंगे कि निचुने लोग, बहुत आगे से ढंग से बढ़ रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कमिंग से बिलोंग करते हैं, हमारे निशी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही गर्व की बात है। क्या आपने कभी नोबेल सुना है? सुना है तो आज हम एक नोबेल राइटर से बात करेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लाली लिंगफा है, इस कमिंग सेप्पा से बिलोंग करता हूँ। जी, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताइएगा, कितना तक आपने पढ़ा है और ये नोबेल लिखने का किस तरह से आपको? मैंने अपना मास्टर डिग्री 2014 में कंप्लीट किया था। फिलहाल अभी डॉक्टरेट कर रहा हूँ, डॉक्टरेट का भी फाइनल ईयर में है, यही साल कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च एरिया है ये, तो बायोटेक्नोलॉजी में तो हम लोग का इस कमिंग का शायद बहुत ही कम है। तो मेरे को लकीली वहाँ करते करते आइडिया ऐसे आया कि साइंस फिक्शन और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी, कैसे लोग झूठ बोलते हैं, वो सब का मिला जुला करके एक कंसेप्ट आया है। मतलब झूठ बोलने वाला ज़्यादातर झूठ उनका छुपा नहीं रहता है कभी ना कभी। हम हमारे जनता को जो हमें देख रहे हैं अब, उन्हें बताना चाहते हैं कि आपका नोबेल का नाम क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है, उससे लोगों को क्या फायदा होगा, है ना? हाँ। उनके बारे में बताइए। मेरा नोवेल का नाम है एडिसन ल्यूनाटिक। ये एक थीम पे बेसिस है। ये थीम है कि लायर्स रिसाइड विद इन द ओशन ऑफ इविल्स अंडर द शैडो ऑफ हैप्पीनेस। मतलब कि इसमें हर कोई अपना अपना ख्याल, हर कोई अपना अपना व्यू डाल सकता है ये कोटेशंस पे। ये मेरा बेसिकली तो ये है कि लायर्स का मतलब झूठ देर तक छुपा, मतलब उनका झूठ देर तक छुपा नहीं रहता कभी ना कभी, मतलब बंदा हाँ जाता है, निकल ही जाता है। जब झूठ बोलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा ही कभी ज़्यादा देर तक नहीं छुपा रहता। इस पे थ्रिलर, मतलब एक क्राइम ऐसे मिक्स करके किताब लिखा है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 438 पेज का है ये किताब। अभी फिलहाल KDP amazon.com में अवेलेबल है, और amazon.in को छोड़ के अमेजन का हर कोई, जापान में अवेलेबल, जर्मनी में अवेलेबल, हर इंडिया को छोड़ के, क्योंकि इंडिया में फिलहाल पब्लिशर नहीं है। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये भी सोच रहा हूँ यही पब्लिश कर दूँ। जी जी, हमारे अरुणाचल की जनता को बता दूँ कि नॉवेल्स के बारे में अगर रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपने सुना है उनका नॉवेल का नाम, तो आप सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। और सभी को बता दूं, मुझे पता है कि आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, आने वाले डेट में इसी व्यक्ति के साथ, सर के साथ, आपको हम उस किताब के साथ रूबरू कराएंगे और हम डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे उनका, जब हम इंटरव्यू लेंगे नेक्स्ट टाइम। सर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे आने वाले डेट में। जी जी, थैंक यू सो मच अरुणाचल समाचार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।